Hello friends, welcome to GK4 SUCCESS. Today we are going to review the MCQ of 9th of August 2017. Subscribe कीजिए GK4 SUCCESS channel को daily current affairs updates के लिए और अगर आपको video पसंद आता है तो like कीजिए और आपको suggestion देना चाहते हैं तो मुझे comment में लिखकर बताइए. Friends, आप हमारे Facebook page और Telegram group को भी join कर सकते हैं और Facebook और Telegram पर video के notifications के अलावा मैं other important material भी आपको provide करूँगा और Facebook और Telegram group के link नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 9th ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है 10th एनिवर्सरी ऑफ द यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स. और इस बार 9th ऑफ अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इस एनिवर्सरी की थीम थी संकल्प से सिद्धि द अटेनमेंट थ्रू रिजॉल्व. और आपको ध्यान रखना है कि क्विट इंडिया स्लोगन दिया था यूसुफ मेहरली ने. तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज ओडिशा हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ट्रेन वुमेन एंटरप्रेनर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रमोट एंटरप्रेनरशिप एंड डिजिटल लिटरेसी एंड ऑर्गेनाइज हैंडसम वर्कशॉप्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम वुमेन एंटरप्रेनर्स एंड वुमेन एस एच जीस ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स. करेक्ट आंसर इज फेसबुक. रिसेंटली ओडिशा ने फेसबुक के साथ टाइप किया है और अब फेसबुक एंटरप्रेनरशिप और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए वुमेन एंटरप्रेनर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही फेसबुक माइक्रो स्मॉल मीडियम वुमेन एंटरप्रेनर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पर वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेगा. और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पर वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस स्टेट ने फेसबुक के साथ या फेसबुक ने किस स्टेट के साथ टाइप किया है. तो आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा ने फेसबुक के साथ टाइप किया है. हु हैज वन द 2017 यूएफा सुपर कप टाइटल ऑफ फुटबॉल. करेक्ट आंसर इज रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड ने जीता है फुटबॉल का 2017 यूएफा सुपर कप टाइटल और रियल मैड्रिड जो कि एक स्पेन बेस्ड फुटबॉल क्लब है उसने डिफीट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. हु हैज रिलीज्ड द बुक खुशवंत सिंह इन विजडम एंड इन जेस्ट. करेक्ट आंसर इज अमरिंदर सिंह. खुशवंत सिंह इन विजडम एंड इन जेस्ट बुक को रिलीज किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने और इस बुक के को ऑथर हैं विजय नारायण शंकर और ओंकार सिंह. ज्ञान सिंह सोहनपाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज. करेक्ट आंसर इज पॉलिटिशियन. ज्ञान सिंह सोहनपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फॉर्मर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे और उनको चाचा के नाम से जाना जाता था. विच सिटी हैव द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ एनी सिटी इन एशिया अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स. करेक्ट आंसर इज दिल्ली. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी होगी दिल्ली. गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑफ विच ग्रुप टू मेक ड्रग्स मोर अफोर्डेबल इन द कंट्री. करेक्ट आंसर इज ज्वाइंट सेक्रेटरीज. गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जॉइंट सेक्रेटरीज की ड्रग्स को मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए, मतलब उनकी प्राइसिंग को कम करने के लिए. इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड एंड्रॉयड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. करेक्ट आंसर इज गूगल. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया है एंड्रॉयड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम में एंड्रॉयड और वेब प्लेटफॉर्म पर मोबाइल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इंडिया में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा. विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट कोल यूटिलाइजेशन बिटवीन पावर यूनिट्स. करेक्ट आंसर इज गुजरात. पावर यूनिट्स के बीच में कोल यूटिलाइज्ड करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है गुजरात और ऑक्शन के थ्रू गुजरात कोल ट्रांसफर करेगा
ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशन से जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं और ये कोल उनसे ट्रांसफ़र किया जाएगा मोर फ्यूल इफिशियंट प्राइवेट पावर प्लांट्स को। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड सर्विस? करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। रिसेंटली ICICI बैंक ने लॉन्च की है इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड सर्विस और इस सर्विस के थ्रू सेविंग अकाउंट कस्टमर्स को इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और ये पूरी प्रोसेस होगी डिजिटली। हु हैज बैक्ड द टाइटल ऑफ सेवंथ हॉट मंडे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017? करेक्ट आंसर इज नेहा देश पांडे। नेहा देश पांडे को मिला है सेवंथ हॉट मंडे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 टाइटल और नेहा देश पांडे पुणे से हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद डिजिटल पेमेंट्स कंपनी जेटा? करेक्ट आंसर इज IDFC बैंक। रिसेंटली IDFC बैंक ने टाइप किया है डिजिटल पेमेंट्स कंपनी जेटा के साथ और ये टाइप किया गया है IDFC बैंक बेनिफिट्स को लॉन्च करने के लिए जो कि एक पेमेंट सॉल्यूशन सर्विस है। बांग्लादेश विल ओपन इट्स डिप्लोमेटिक स्टेशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज चेन्नई। बांग्लादेश अपना डिप्लोमेटिक स्टेशन ओपन करेगा चेन्नई में और ऐसे बांग्लादेशी सिटीजन्स जो इंडिया में विजिट करते हैं मेडिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाएगा न्यू डिप्लोमेटिक स्टेशन के थ्रू। सवर लाल जाट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज? करेक्ट आंसर इज पॉलिटिशियन। सवर लाल जाट जिनका हाल ही निधन हुआ है वो एक फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वाटर रिसोर्सेस के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में। रिसेंटली नीति आयोग अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद हाउ मेनी स्टेट्स टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स अंडर इट्स सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इज 6। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल जिसको शॉर्ट फॉर्म में 7 के नाम से जाना जाता है, इस इनिशिएटिव में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिसेंटली नीति आयोग ने 6 स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप की है और हेल्थ सेक्टर के लिए सेलेक्ट किया गया है UP, असम और कर्नाटक को और एजुकेशन सेक्टर के लिए सेलेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड को। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड सैनिटेशन सर्वे अंडरटेकन बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने रिलीज किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017 जिसको सैनिटेशन सर्वे के नाम से भी जाना जाता है और इस सर्वे को किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और इस सर्वे में केरल और हरियाणा ने टॉप किया है और बिहार और उत्तर प्रदेश वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं और झारखंड भी वर्स्ट परफॉर्मर हैं क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्कोर सेम है। और आज़ादी के 70 साल कंप्लीट होने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 अगस्त से 15 अगस्त तक खुले में शौच से आज़ादी वीक सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है। वॉट इज द इंडियाज रैंक इन 2017 ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज 43। 2017 ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43 और इस इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने और सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है आइसलैंड और इस इंडेक्स को पब्लिश किया है फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेटिक्सिस ग्लोबल ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट सिटीजन्स बिलोंगिंग टू 80 कंट्रीज डोंट रिक्वायर वीजा टू एंटर इन द कंट्री? करेक्ट आंसर इज कतर। रिसेंटली कतर ने 80 कंट्रीज के नाम अनाउंस किए हैं और इन कंट्रीज के सिटीजन्स को कतर में एंटर होने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी और इन 80 कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूडेड है और कतर की कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड वर्चुअल कस्टमर सर्विस मॉडल? करेक्ट आंसर इज अमेजॉन।
रिसेंटली अमेजोन ने लॉन्च किया है वर्चुअल कस्टमर सर्विस मॉडल, और ये मॉडल ऐसे क्वालिफाइड और स्किल्ड कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब को सर्च करते हैं। रिसेंटली विजया बैंक हैज ओपन्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर इज इंदौर। रिसेंटली विजया बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन किया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। और आपको ध्यान रखना है कि विजया बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और टैगलाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। शपथ भारद्वाज हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट एथलीट टू बी नेम्ड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। करेक्ट आंसर इज शूटिंग। शपथ भारद्वाज जिनकी एज 15 ईयर्स हैं वो इंडिया के यंगेस्ट एथलीट बन गए हैं जिनका नाम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में इंक्लूड किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि शपथ भारद्वाज शूटिंग से रिलेटेड हैं। विच फिश हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पेसिस ऑफ फिश इन द वर्ल्ड बाय द मरीन लिविंग रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर इज राई चपालू। राई चपालू फिश को रेयरेस्ट स्पेसिस डिक्लेयर किया है आंध्र यूनिवर्सिटी के मरीन लिविंग रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने। रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद यूकेस ट्रम्फ मोटरसाइकल्स। करेक्ट आंसर इज बजाज ऑटो। रिसेंटली बजाज ऑटो ने यूके की ट्रम्फ मोटरसाइकिल्स के साथ पार्टनरशिप की है। हु हैज लॉन्च्ड एनसीईआरटीज वेब पोर्टल फॉर सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स। करेक्ट आंसर इज उपेंद्र कुशवा। टेक्स्ट बुक्स की सप्लाई के लिए एनसीईआरटी के वेब पोर्टल को लॉन्च किया है उपेंद्र कुशवा ने। और उपेंद्र कुशवा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। और आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इनटू और विड्रॉल फ्रॉम करेंसी चेस्ट। करेक्ट आंसर इज 1 लाख रुपीज। करेंसी चेस्ट में डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज के बाद 50,000 के मल्टीपल्स में डिपॉजिट या विड्रॉल होगा। और करेंसी चेस्ट आरबीआई के कैश के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं कैश मैनेजमेंट के लिए। और आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बक्सा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। आपको ध्यान रखना है कि बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टकट टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएक्स एक्सेल। करेक्ट आंसर इज F5। आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं F5 फंक्शन की। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।